हिमाचल प्रदेश के वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया आज एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया, विपक्ष के हर वार का बेबाकी से पलटवार किया। आज लास्ट मूड पे 67 को तो ऐसा मजाक बना लिया। 67 का मतलब क्या है कि मैटर ऑफ अर्जेंट अर्जेंसी विच हैज टू बी रेज्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आप 67 का मजाक बनाकर एक विषय, ऐसा विषय 2 मिनट पहले दे रहे हैं और हम और स्पीकर साहब उसके ऊपर रूलिंग दे रहे हैं। जब स्पीकर साहब की आप रूलिंग सुनने को तैयार नहीं, पता नहीं स्पीकर साहब ने आपको अलाउ करना था या नहीं करना था, पर उनके रूलिंग आने से पहले ही आप वॉकआउट करके वेल में आ रहे हो। फिर आप दुनिया भर की घोषणाएं आज अंदर विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। आप करनामूल के ऊपर आप नौकरी सबको आज बांटा है, आपने आउटसोर्स वालों को सबको आज पक्का कर दिया, आपने ओपीएस आज इशू कर दिया, आपने पुलिस वाले आपने रेगुलर कर दिए। मेरे को समझ नहीं लगता ये झूठ का परिंदा। मुझे तो ऐसे लग रहा था जी अंदर कोई पीएचडी की क्लास लगी हुई झूठ बोलने की। जिस तरीके से ओपीएस किसने एक्सेप्ट किया, वीरभद्र सिंह ने, ये पुलिस वालों को काला कानून किसने पास किया, आपकी सरकार ने पास किया, आउटसोर्स पे थोक पे भर्ती किसने की, आपने की। आज बकवास करने के लिए हम रह गए, सुनने के लिए हम रह गए, विधानसभा में आप दुनिया भर की घोषणा करने, आज आप बोल रहे कि हम ओपीएस देंगे। आपने पंजाब में क्यों नहीं दे दिया ऑफिस, आपने छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे दिया ऑफिस, आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिया ऑफिस, आप महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे रहे ऑफिस, आपकी कभी दिल्ली में सरकार बनेगी? आज 450 से आपके पास बूंजा एमपी रह गए, बूंजा एमपी वाले विपक्ष, और जिसको ममता बनर्जी कहती है कि यूपीए अब कोई चीज ही नहीं है, देयर इज नथिंग नोन एज यूपीए। आप आज आप ऑपोजिशन की मेन धारा में भी नहीं है दिल्ली में, आप आज इस देश के राष्ट्रीय मानचित्र से गायब हो चुके हैं। कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की तरफ आगे ये दुनिया बढ़ रही है और आप ओपीएस दे रहे हैं। जहां तक रही पुलिस वाले की बात, उसकी भी हमने जो है कमेटी का गठन किया हुआ है। इन सारे विषयों को हम एड्रेस कर रहे हैं। आप जो कुछ कर नहीं सकते वो सिर्फ आज घोषणा कर रहे हैं। इससे आज लग रहा था पता विधानसभा के अंदर कि आप सत्ता पाने के लिए कितने पागल हो रखे हैं, कितना बुरा हाल है आपका बिना विपक्ष के। आप मुख्यमंत्री कहां चले गए? अरे भाई ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस है, प्रधानमंत्री जी चेयर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं जाएगा, अपने स्टेट का वहां पे जाके पक्ष रखेगा, अपने पक्ष की लड़ाई रखेगा। हमारे भारत सरकार में अरबों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री का काम होता है जैसे एक विधायक आके विधानसभा में अपने क्षेत्र के बारे में लड़ाई लड़ता है, वैसे मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के बारे में दिल्ली में जाकर लड़ाई लड़ता है। आज ऑल इंडिया चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नहीं जाएगा तो तुम जाओगे क्या? बैकडोर एंट्री की बात मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपने 12 और 17 के बीच में क्या किया, तब आपके लिए सब कानून ठीक हो जाते। आप करनामूल के आधार के ऊपर आपने कितनी नौकरी बांटी, आप करनामूल के आधार के ऊपर आपने 50 के ऊपर ब्रेक लगा दी। जो कर्मचारी 50 साल के ऊपर टाप जाएगा वो करनामूल के अंदर आएगा नहीं। हमने 50 को बढ़ाकर 58 किया, 58 भी ऐसा किया कि जिस दिन उसकी लास्ट डे ऑफ सर्विस है उस दिन भी अगर उसका देहांत होता तो उसके बच्चे उसके लिए एलिजिबल है। इतना बड़ा कानून हम लेकर आए, अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर स्टेट करें 20 साल में इतनी करनामूल के आधार की नौकरी नहीं जितनी हमने पिछले 4 साल में दी है, और हम 31 मार्च तक इनका पूरा बैकलॉग जो है 4200 का खत्म करने वाले हैं। हम लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल बकवास किया, आपने केवल झूठ बोला। आप पुलिस की प्रतिबंध आप लगाए भुगते हम, 50 साल का प्रतिबंध आप लगाए भुगते हम।